जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम होली पर्व के बारे में जानते हैं। यह त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हम सब भारतवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बेटे की माँ उपवास व्रत रखती है तथा शाम को होली पूजने जाते हैं। होली चाहे अपने बाजार में लगे चाहे दूसरे बाजार में लग सकते हैं, और इस दिन तरह पकवान आदि बनाते हैं और होली जाते हैं। कच्चा सूप लपेटते तथा जल से कच्ची होली जली होली को हैं तथा गोबर की गुलरी वगैरह परिक्रमा करते हैं। घर आकर चंद्रमा देकर उपवास को खोलते हैं, अर्थात हैं। जलती होली में जौ और गेहूं की बालों को भूजा जाता है। श्री विष्णु भगवान नारायण जी के भक्त प्रहलाद जी की याद में यह धूमधाम से हम सब भारतवासी मनाते हैं। इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। एक समय की बात है कि हमारे भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा राज करता था, लेकिन भगवान नारायण से बैर रखता था। तो उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। नारायण का परम भक्त था प्रहलाद। वह प्रहलाद को नारायण का नाम लेने को मना करता था तथा कहता था कि तुम मेरे नाम का जप करो। अपने राज्य में किसी को भी भगवान का नाम लेने का था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, सर्पों की कोठरी में डाला, हाथी से खुदवाया, प्रहलाद की माँ के हाथ से भोजन में जहर मिलाकर खिलवाया, ऊपर से पटकवाया, लेकिन प्रहलाद का बांक बाका भी नहीं हुआ। भाई को चिंता में देखकर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई और बोली, भैया यह तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, प्रहलाद को मैं भक्त ही मार डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चुंदरी है। उसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। तब तो उसने ऐसा ही किया। फाल्गुन पूर्णिमा की रात प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। राक्षसों ने आग लगा दी। होलिका की उड़कर प्रहलाद जी के सिर पर आ गई। होलिका बुआ जी तो जल गईं। भगवान नारायण के भक्त पर आँच भी ना आई। वह फूलों से देवताओं ने फूल बरसाए। सभी भगवान के भक्त लाल गुलाल उड़ाकर होली खेलने लगे। एक दूसरे के गुलाल लगाकर भक्त प्रहलाद जी के जय जयकारे करने लगे। उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है और अपने अंदर के काम क्रोध मोह आदि छह विकारों को अग्नि में जलाया जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोल होलिका मैया की जय, प्रहलाद जी की जय। तो मित्रों, यह मेरी कहानी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।